की ही हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। लगभग साल भर से ऊपर हो गया है, माध्यम दिलाल पेड़ पौधे पानी लगा राजस्थान के उदयपुर में संबंध महोदय राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कराना चाहता है कि कल दिनांक 28/6/2022 राजस्थान उदयपुर जिले में एक नुपुर शर्मा समर्थक कन्हैया की निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी गई। साथ ही हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी जान से मारने की धमकी भरा वीडियो के माध्यम से पूरे देश ने देखा। राष्ट्रीय अनुमान दल के राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से तालिबानी मानसिकता का प्रयोग वीडियो में किया गया है, जिस तरीके से कन्हैया की हत्या की गई, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के अंदर जो भी नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होगा उसका भी यही अंजाम करेंगे। यही संदेश देने की कोशिश की गई है, जबकि नुपुर शर्मा ने कहा वह सत्य है और इसका प्रमाण इनकी कुरान है, सत्य है तो सत्य से मुंह छिपाना नहीं चाहिए। महोदय राष्ट्रीय अनुमान दल परिवार आपसे अनुरोध करता है, इसमें जो हत्यारे हैं उनको तत्काल फांसी की सजा दी जाए, साथ ही परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, परिवार के को सरकारी नौकरी 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। ये भी ऐसा नहीं किया जाता तो राष्ट्रीय अनुमान दल प्रत्येक प्रदेश में, जिले में, प्रत्येक तहसील में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। सर ये संयुक्त ज्ञापन है अखंड भारत गौरव ट्रस्ट और राष्ट्रीय हनुमान दल। मैं दो लाइनें सिर्फ पढ़ूंगा। तो विषय है राजस्थान के उदयपुर नुपुर शर्मा समर्थक कन्हैया की हत्या में सेम है। क्या नाम है आपका? दीपक पाठक। क्या मामला है? मामला ये है कि देखिए, हम लोग आज राष्ट्रीय हनुमान दल और अखंड भारत गौरव ट्रस्ट के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि 28 तारीख को उदयपुर राजस्थान में एक टेलर की हत्या कर दी गई और उसने केवल एक पोस्ट की थी कि हम नुपुर शर्मा के समर्थक हैं, और नुपुर शर्मा का बवाल जो है वो काफ़ी दिनों से देश के अंदर चल रहा है। उसने जो भी कहा वो सत्य कहा है, उसने जो सत्य कहा है वो उनकी कुरान में भी लिखा है। यदि कुरान में लिखा है, कुरान को आप पवित्र मानते हैं, तो उसमें जो लिखा है वो सत्य है और उस सत्य को एक्सेप्ट करें। हम मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहते हैं कि जो आपकी किताब में लिखा है उसे आप एक्सेप्ट करना सीखिए, जो सत्य है उससे मुंह मत चिढ़ाइए, और जो सत्यता है उसको पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और जिस ज्यादी तरीके से उसकी हत्या की गई कन्हैया कुमार की, जो सत्य है उसको उसने कहा, उसकी जो हत्या की गई है उसके विरोध में आज सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि जिन जिहादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए और उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। और इस तरीके की अगर आगे घटनाएं हुई तो राष्ट्रीय हनुमान दल परिवार उन जिहादियों को ये चेतावनी देता है कि अब खून का बदला खून होगा। कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा समर्थक कन्हैया की हत्या के संबंध में महोदय राष्ट्रीय हनुमान दल आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता है कि कल दिनांक 28/6/2022 राजस्थान उदयपुर जिले में एक नुपुर शर्मा समर्थक कन्हैया की निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी गई। साथ ही हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी जान से मारने की धमकी भरा वीडियो के माध्यम से पूरे देश ने देखा। राष्ट्रीय अनुमान दल के राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से तालिबानी मानसिकता का प्रयोग वीडियो में किया गया है, जिस तरीके से कन्हैया की हत्या की गई, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के अंदर जो भी नुपुर शर्मा के साथ खड़ा हुआ उसका भी यही अंजाम करेंगे। यही संदेश देने की कोशिश की गई है, जबकि नुपुर शर्मा ने कहा वह सत्य है और इसका प्रमाण इनकी कुरान है, सत्य है तो सत्य से मुंह छिपाना नहीं चाहिए। महोदय राष्ट्रीय हनुमान दल परिवार आपसे अनुरोध करता है, इसमें जो हत्यारे हैं उनको तत्काल फांसी की सजा दी जाए, साथ ही परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नुपुर को आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नुपुर को आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नुपुर को आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उदयपुर का ये कान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उदयपुर का ये कान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उदयपुर का ये प्रत्येक प्रदेश में, जिले में, प्रत्येक तहसील में सड़क पर उतर कर